दोस्तों, आप लोगों को ये मोबाइल की स्क्रीन पर ये राम जी का घोड़ा 3D एनिमेशन जैसा लग रहा होगा। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 3D एनिमेशन से हम मोबाइल से दिखा रहे, पर दोस्तों ये रियल है। दोस्तों आप लोग इसे देख सकते हैं यार, ये ओनली ओन पत्ते का बना है, पत्ती का। आप लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग देखो इसके मुंह आँख सब कुछ बना दिया दोस्तों। ये तो भगवान का चमत्कार मानो दोस्तों। ये देखो पत्ती, ये पत्ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल राम MP वाले में। दोस्तों मेरा नाम है राम, और दोस्तों आज हम बात करने वाले राम जी के घोड़े के बारे में। दोस्तों अगर ये आपके भी घर में बाय चांस आ जाता है, बारिश का मौसम है दोस्तों, सावन का महीना है, और इसमें आ सकता है दोस्तों। अगर आपके घर में भी आ जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसको मारना बिल्कुल भी ना है दोस्तों। उसको कोई सेफ जगह जाकर पौधे या पेड़ की डाली पर बिठा दे, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा दोस्तों। और अपने मंदिर में दोस्तों, भगवान के मंदिर में दो अगरबत्ती लगाकर माथा जरूर टेक ले दोस्तों, और अपनी विश मांग ले, और हो सकता है वो भगवान आपकी विश कबूल कर ले, आपकी मनोकामना पूरी करे। तो दोस्तों यही बात ध्यान में रखना है आप लोगों को, उसे मारना बिल्कुल भी नहीं है। राम जी का घोड़ा अगर आपके घर में आए जाता है दोस्तों, ये ऐसे आता नहीं है हर किसी के घर में दोस्तों, बहुत कम लोगों के घर में ही आता है ये दोस्तों। छोड़ता नहीं, बहुत तेज पकड़ता है दोस्तों ये दोस्तों देख सकते हैं आप, बिल्कुल पतिया ये वैसे ही दिख रही यार। मतलब इसमें जीव होना असंभव है दोस्तों, फिर भी राम जी ने जीव डाला है, तो इसका मतलब दोस्तों इसे कुछ खास सोचकर ही बनाया होगा ना राम जी ने। पत्तियों में जीव डाला दोस्तों, ऐसे थोड़ी डाल लिया। चलो दोस्तों बताते आप लोगों को क्या करना चाहिए, कि हमारे घर में अगर ये आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको इसे कहीं सेफ जगह लेके जाना है, और पेड़ पौधे किसी पर भी छोड़ देना है दोस्तों। इसे मारना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बेजुबान जीव है दोस्तों। हमने इसे पौधे पे छोड़ दिया हमने दोस्तों, ये देख सकते हैं। अब इसे आपको दिखाऊंगा मैं, ये दिखाई नहीं देगा दोस्तों आप लोगों को, पत्तियों में ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें भी कोई राम जी का घोड़ा बैठा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई राम जी का घोड़ा बैठा। दूर से देखने पे ऐसा लगता ही नहीं।